नेतन्याहू ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति से बात और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू बाइडेन की 25 मिनट जी हाँ 25 मिनट तक ये बातचीत हुई है। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बात की ईरान के रक्षा मंत्री इसराइल के रक्षा मंत्री से और अब एक और बड़ी खबर है कि इस हमले के बीच नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई है और इस 25 मिनट की बातचीत में ताजा हालात की जानकारी बाइडेन को दी गई है नेतन्याहू की ओर से। देखिए अमेरिका लगातार हालात पर निगरानी कर रहा है और वहीं ईरान का इसराइल पर हमला और जो बाइडेन नेतन्याहू की जो बात हुई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। ईरान के हमले पर अमेरिका इसराइल की बातचीत हुई है और बाइडेन ने इसराइल को संयम बरतने की सलाह दी है। इसराइली हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा है यूएस की ओर से यह भी कहा गया है। तो देखिए यूएस लगातार पूरी रिपोर्ट हासिल कर रहा है और हमारे संवाददाता सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है मनीष झा, उनके पास चलेंगे। मनीष, जो बाइडेन ने 25 मिनट बात की है नेतन्याहू से, फिलहाल कहा है संयम बरतने के लिए और हालात पर पूरी तरीके से अमेरिका की भी नजर है और क्या कहा गया होगा इस पूरी बातचीत में जो बाइडेन की ओर से? बिल्कुल अंजलि, देखिए अभी जो तस्वीर हमने दिखाई है बेंजामिन नेतन्याहू जब फोन पर बात कर रहे हैं उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखिए तो उस तस्वीर में आपको लगेगा कि जो बाइडेन लगातार कुछ न कुछ सुना रहे हैं और नेतन्याहू सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब डी क्लासीफाई होगा कि इन दोनों की क्या बातचीत होगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा होगा कि सारी गड़बड़ी तुम्हारे तरफ से हुई, सारी गड़बड़ी आपकी, ये सब कुछ जो आज हो रहा है ये आपके वजह से हो रहा है क्योंकि आप कभी हमारी बात नहीं मानते हैं, बल्कि आपने ना सिर्फ इसराइल को मुसीबत में डाला बल्कि अमेरिका को भी धन संकट में डाल दिया। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डेटरेंट पावर खत्म हो गया, वो इसलिए क्योंकि नेतन्याहू की जिद की वजह से। अमेरिका ने कहा गाजा में युद्ध विराम करो, नेतन्याहू नहीं माने। अगर अमेरिका ने कहा कि इस समय सीरिया में हमला नहीं करना है लेकिन नेतन्याहू ने बिना बताए हमला किया। अमेरिका ने कहा कि इस वक्त एग्रेसिव नहीं होना है लेकिन नेतन्याहू ने किया। और इसीलिए इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए, ये वो दोनों तस्वीरें हैं, एक में इसराइल के रक्षा मंत्री, एक में इसराइल के प्रधानमंत्री। मनीष, आप जो कह रहे हैं वो तो बहुत चौंकाने वाला है, अगर ऐसा है तो क्या अमेरिका साथ छोड़ देगा इसराइल का? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अमेरिका किसी भी हालत में इसराइल का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को पता है कि इसकी कीमत अमेरिका को खुद चुकानी पड़ रही है। देखिए यूक्रेन और इसराइल में यही अंतर है, यूक्रेन को अमेरिका ने हथियार दिए लेकिन इसराइल के मामले में अमेरिका ग्राउंड पर मौजूद है, अमेरिका समंदर में मौजूद है, अमेरिका हवा में मौजूद है। और इस वक्त जब ईरान से मिसाइल और ड्रोन आ रहे हैं तो केवल इसराइल के आयरन डोम या इजरायली फाइटर जेट नहीं बल्कि अमेरिका के जहाज युद्धपोत पर तैनात जो जहाज हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सब उन मिसाइलों को खत्म कर रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि इस जंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल साथ साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए एके श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। एके श्रीवास्तव, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के रक्षा मंत्री की तस्वीरें हैं और तनाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है जो कि कहा गया था कि भाई गाजा में आप संयम बरतो, वहां पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखो अपनी कार्रवाई में, वो हमने नहीं देखा, उन तमाम बातों को बेंजामिन नेतन्याहू ने दरकिनार किया, क्या यह हिदायत भी बेंजामिन नेतन्याहू दरकिनार कर सकते हैं ईरान के खिलाफ? मुझे नहीं लगता। देखो सच्चाई है, जब बात आती है इसराइल वर्सेज हमास तो फिर इसराइल मनमानी कर सकता है क्योंकि हमास के पास इतना रेजिस्टेंस पावर नहीं है, मगर जब ईरान की बात आती है तो ये समझना पड़ेगा इसराइल को भी कि हथियार जो हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है। और जो जो बाइडेन हैं उन्होंने ये भी बोला कि हम आपकी तरह एज ए आयरन फ्रेंड खड़े हुए हैं, मगर कुछ हिदायतें फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता नेतन्याहू पूरे वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आपको अभी झोंकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नेतन्याहू चल रहे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट शॉर्ट रेसिपी है थर्ड वर्ल्ड वॉर की। अगर ये आप जाएंगे इजराइल और पलटवार करेगा ईरान पे और बहुत ज्यादा है जो बातें नहीं मानेगा अमेरिका की, तो फिर अमेरिका को भी तो प्रॉब्लम है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो कि ये इतना फैल जाए कि इसको संभालना मुश्किल हो। रूस यूक्रेन लगा है, ऊपर से मिडिल ईस्ट में, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो एक प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर डेटरेंस का रूप करता था आज उसका सारा का सारा जो गेम। बिल्कुल सर, जो आप कह रहे हैं और जो मनीष कह रहे थे, अगर इसमें सच्चाई है तो फिर नेतन्याहू को जो बाइडेन की हर बात माननी ही पड़ेगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान से बदले का प्लान तैयार है, इजरायली मायने क्या है इसके, ये जल्दी से आपको बता दे।
और ईरान के खिलाफ इसराइल का बारूदी प्लान, जिसके बारे में आपको बता दें वॉर कैबिनेट में ईरान से बदले का ऐलान किया गया है। पीएम नेतन्याहू ने बदले की रणनीति बनाई है। और यह भी याद रखिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात भी की है 25 मिनट नेतन्याहू से। वॉर कैबिनेट में ईरान पर हमले को मुहर लगा दी गई है, क्योंकि अब दूसरा कोई विकल्प इसराइल के पास नहीं है जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो देखिए, ईरान के खिलाफ इसराइल का बारूदी प्लान तैयार है। वॉर कैबिनेट में ईरान से बदले का ऐलान कर दिया गया इसराइल की ओर से और मुहर लगा दी गई है, यानी कि अब जंग ऑफिशियली छिड़ गई है ईरान और इसराइल के बीच। वॉर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है इस वॉर पर। तो देखिए, ईरान से बदले का प्लान क्या सामने आ रहा है, कुछ बड़ी तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। आखिर इजरायली मायने क्या है, वॉर कैबिनेट में जो मुहर लगी उसको आप जरा देखिए। एक तरफ सुमित और मनीष आपकी तरफ अगर मैं देख पा रहा हूं, वहां पर लगातार हम लोग की तस्वीरें, लेकिन ये वॉर कैबिनेट में जो मुहर लगी है, ईरान को जवाब देने का आदेश दे दिया गया है वॉर कैबिनेट की इस बैठक में। और साथ ही क्या आ रहा है, इजरायली डिफेंस फोर्स को हमले का अधिकार मिल गया है, यानी आईडीएफ जैसे चाहे जवाब दे सकते हैं। अब इसके मायने क्या, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा, ट्रू प्रॉमिस का जवाब अब कैसे इजराइल देगा वो देखना होगा। हमले के लिए इजाजत की अब कोई जरूरत नहीं, यानी कि पूरी तरह से यह कह दिया गया कि जैसा चाहे आप हमला कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं, हमले के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। ये लाइन देखना समझना जरूरी है। वॉर कैबिनेट में कौन कौन था, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद इस कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे थे, इसके अलावा इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट इसमें मौजूद थे जिनसे ब्रीफिंग ली गई।